तो गाइस एटलीस्ट हमें फ्रंट सीट मिल चुकी है व्हिच इज ग्रेट एंड बबलू विल एंजॉय द ड्राइव. Hey guys, what's up? Good morning. आज बहुत ही जल्दी उठ गया था मैं and welcome back to another episode of Lay series. पता नहीं कितनी बार Lay series हो चुकी है. क्यों छेड़े? Yeah. I think 6-7 times Lay series with Bablu and Dablu. Anyways, वो देखो करण सेकल वेट कर रहे हैं यहाँ से. वो देखो बोरा. ध्यान से देखिए. उसका रूम ऊपर था. तो आज सुबह सुबह उठ के बबलू सो रहा था. मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उठाई नहीं. तो मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लें. यार तेरे को उठाने का और कोई तरीका ही नहीं है. साला सोता रहता है भैंसा. तो यहाँ पे ना एक बड़ी गंदी चीज रखी हुई है, वो है वेइंग मशीन. तो मैंने गलती से मैं चल एक बार नाप ही लेता हूँ. मैं नापा, मैंने देखा व्हिप्स, आई थिंक वर्कआउट करना पड़ेगा. तो मैं सुबह सुबह उठ के मस्त 500 कैलोरीज बर्न कर ली. देख छोटे मेरी रिंग्स छोटे, बहुत ही कमी ना है. एनीवेज गाइस, हम चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने और फिर बातें करते करते एंड प्लान बनाते हैं आज का. चल बाय बाबा बाबा. तो गाइज हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने. ये भाई साहब खा चुके हैं, बृंदा खा के जा चुकी है. मैं थोड़ा सा अपलोड कर रहा था बट एनीवेज आज हम हेल्दी खाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा वर्कआउट भी किया हुआ है. और ये मेरे को देख रहा था. तेरे को कैसे दिखा? मैं सुबह उठा, मैंने अपने कर्टन ऊपर करा, वहाँ देखा मेरे को बंदर लगा हुआ. मैं तो करके रहा ये वो शीशा खोल के. फिर मैंने 5 मिनट बाद देखा, मैं खड़ा हो गया, सांस ले रहा है, पेट ऐसे ऐसे ऑफ रहा था, वहाँ से दिख रहा है वर्कआउट कर रहा हुआ. अभी मुझे मैसेज भी आ गया, उन्होंने कम्प्लीट वर्कआउट अबे 500 कैलोरीज बर्न कर ली. इसमें कंपटीशन पे लगाया हुआ मुझे भी ना, इसमें अपने साथ अपडेट कर दिया. अब याद आके तो मैं वर्कआउट नहीं कर रहा भाई साहब. वर्कआउट आज पहला दिन है, वैसे एक ही दिन पहला दिन है ना, तुझे वर्कआउट करा मेरे का ये यहाँ पे भी मोटिवेशन. तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता बट मैंने कहा छोड़ कल से करेंगे. मुझे ब्लॉग एडिट करने इसको करने नहीं है भाई. इसके चक्कर ये बहाना बन गया. इसके चक्कर में मैं भी ब्लॉग एडिट करने लग गया टाइम से. अच्छा है ना फिर. वेरी गुड ब्रेक इट्स ये लो खा रखा बढ़िया. तो गाइस हम सुबह से कहीं जा नहीं पा रहे थे क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे. जिसने हमें डल दिया, आते लगवा दिए ब्लॉग टाइम से डालने के. तो ब्लॉग टाइम से डली जा रहे फटाफट. वो भी डाल रही है, मैं भी डाल रहा हूँ. आज तो दो डाल रहा है तू. आज हमने सस्पेंस बनाया. हमारे साथ थोड़ा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है तो हमने कहा इसको थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए. तो अभी तेरे उस पर कमेंट्स आएंगे मिरेकल मिरेकल जो आते हैं ना. अबे मिरेकल लोग कह रहे हैं वो क्या गया, किसने एडिटिंग पकड़ लिया, कौन शूट कर रहा है. चलो ड्रोन ले लिया, गोप्रोस ले लिया, वो ले सब कुछ ले लिया. चलो पार्टी करते हैं ब्रेक इट्स. चलो 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 गाइस, जब इतना सारा सामान होता है ना तो बस कंफ्यूजन ही होती है कि ड्रोन से लेना शॉट, इससे लेना है, उससे लेना है. बड़े मैं पागल हो जाता हूँ. पर भाई तू एक्सपर्ट आदमी, तू कर लेगा, मुझे तेरे पे विश्वास है. हाँ, तू करेगा भाई. बहुत सारी स्ट्रेस रहता है इसके ऊपर कि भाई किसी का कुछ कॉपी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. पूपिट्स हो जाता है, बता रहा हूँ. ये देखिए देखिए इसमें देख, इसमें देखिए ऑफ रोड टायर्स, प्योर ऑफ रोड टायर्स. ओ वाओ, ये नहीं इसमें तुम पत्थर घुस सकते, कांटे घुसा लो, कुछ नहीं होगा इसका. ओ भाई ये सेक्सी लग रहे हैं यार. चलो ड्रोन में डाल लो. यार मैं कह रहा हूँ करण ले ले यार, एंडेवर ले ले इंशाल्लाह ले ले यार, सबका भला हो जाएगा अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया 6 महीने में. ग्रेट सक्सेस हो. और इसके 1 मिलियन कराओ यार, एंडेवर ले लेगा, हम भी घूम पाएंगे. फिर भाड़े की गाड़ी नहीं मांगनी पड़ेगी. गाइस बढ़िया आ रही है यार यहाँ पे. मैंने भी उसके कैमरे में देखा तो मैंने कहा मैं भी 2-4 लाइनें बोल दूँ. तो गाइस आज का प्लान ऐसा है कि मेरे को भी सब कुछ लेना है, हमें बहुत सारे शूट्स करने हैं, फिर इसको अपना व्लॉग का कंटेंट चाहिए, हमें अपना रील का ज्यादा. सो हमारा कंटेंट रील की प्रायोरिटी होती है, हमारा यूट्यूब की इतनी प्रायोरिटी होती नहीं है क्योंकि मैं तो व्लॉग, मेरे लिए व्लॉग इज कि चल हम जो भी कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं. रील के लिए होता है मेरे को प्लान करना पड़ता है, मैं व्लॉग के लिए प्लान नहीं करता. बट भाई साहब व्लॉग के लिए प्लान करते हैं. अभी हमें सबका वो देख के हमें सब कुछ करना पड़ेगा. उसको व्लॉग के लिए प्रायोरिटी करना है, हमें रील के लिए प्रायोरिटी करना है, फिर बाकी पूपिट्स एंड पूपिट्स एंड पापिट्स. सो आज जाने वाले ब्रेक. चल बबलू चले जल्दी गाड़ी बैठ, अब चला उसको. तो गाइस ये सब लड़ चुके हैं, मैं तो पीछे बैठ रहा हूं, मुझे कंटेंट चाहिए. ये लड़े जो भी करे. आई वांट माय रिस्पेक्ट, आई वांट माय रिस्पेक्ट, आई अर्न माय रिस्पेक्ट. अबे स्टोन पेपर सीजर करके जीता हूं मैं, तब भी नहीं मान रही. फेयर गेम बड़ी फेयर गेम. ये चीटर है, इसको स्टोन पेपर सीजर में पता नहीं क्या. एक सवाल है, दो कैमरा नहीं नहीं दो, एक सवाल है, दो कैमरा ऑन है, हम रोल्स में बैठे हैं. ये दरवाजा अपने आप तो बंद हो गया. भैया तुम देखो उधर कोई बैठा नहीं है, लैपटॉप है हाँ, मुझे पता है जैसे तुमने चलाई है ना, रखते पता चले लैपटॉप मेरा उड़ के बाहर जा रहा हूँ. तो गाइस मैं ना अभी जो जो शॉर्ट्स लेने जब सब कुछ मैं नोट्स में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, समझा. बबलू डाल ले एक बार, ये अभी चला रहा है मेरे को FPV उड़ाते उड़ाते चलाने चलाते उड़ाना है. पीछे वाली रोड पे हम जा रहे हैं ना जंसकर. मुझे वो वाली रील के लिए वो चाहिए क्या,
360 कौन सा 360 अबे इस पे एफपीवी भी सही आएगा 360 फास्ट से आगे से जाएगा गाड़ी इस पे 360 नहीं होता मतलब मैन्युअली करना पड़ता है हां मैन्युअली करना पड़ता है तो ये करना है मेरे को फेक ड्रोन शॉट लेना है मुझे उस रोड पे फिर मेरे पास एक और आईडिया है कैमरा गंदा है ये तो वो नहीं है फिर एक और है मेरे को कि मैं बोल जाऊं अच्छा मैं तेरे को बता रहा हूं तू लिख रहे चलो आप नहीं बता रहा मैं फिर बाद में तुम लोग देखना जब आ जाए सब कुछ तो गाइस हम अपनी फेवरेट रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हम सब कुछ काभूम काभाम करने वाले हैं हम मतलब 4 साल से इस रोड पे हमने कितना जब भी आते हैं हम कुछ ना कुछ अलग करते हैं बबलू तेरे को याद है पहली बार बैठा हुआ था बबलू फिर भागता हुआ बबलू इस बार मैं फेक ड्रोन शॉट में भागता हुआ बबलू लूंगा इस रोड पे बट यार लोग खाली भी होनी चाहिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो गया अब जून जुलाई में यही एक बैड पार्ट है बट ब्रेक इट्स गाइस ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब छिछोरागिरी कर रहे हैं मैग्नेटिक हिल मारो सबको पकड़ के किधर अंदर बबलू को सारे उसके नाम पता है बबलू देखो सारे ब्रिजेस के नाम पता है ना इसका नाम क्या है इसका नाम है शोंगटोंग ब्रिज बाय भगवान शोंगटोंग किन्नौर में आता है प्लीज डोंट कंफ्यूज यार छोटे तूने मुझे एक ही ब्रिज का नाम सिखाया वो है शोंगटोंग ब्रिज अब मैं सारे ब्रिज को शोंगटोंग बना दूंगा बाबा ओके और मेरी टोपी कहां है टोपी उड़ गई थी अब मैंने पीछे रख लिया देख रहे हो हार्ड वर्क मुझे भी फ्रेम से बाहर मेरे से मुझे भी फ्रेम से बाहर रहना पड़ रहा है ओके वर्कआउट हमने बबलू की भी छोटी सी मस्त वाली रील बना ली है क्योंकि हमारा भाई है बबलू हेवी ड्राइवर निकला ये तो हम सोचे इसकी बना ले इसने भी आज ये भी खतरों के खिलाड़ी बन गया इसकी भी रील देखना चाहिए दो इसकी बढ़िया बन गई एक सुपरमैन वाली भी हमने बनाई वो भी मस्त वो तो भाई रैंडमली मेरे दिमाग में आया मैंने ना 3-4 दिन पहले कोई वीडियो देखी थी ब्लॉग के लिए भी कर लेना एक बार कर लियो लोगों भी डाल दिया अबे वो तो वैसे ही डाल दूंगा लोगों तो इसका हमने इको सेलेक्ट करा फिर हो गया सैंड स्टैंड पे करूं रॉक पे करूं रॉक पे कर ना मड मोड कर ले नो तो है नहीं नहीं सैंड ठीक है ऑटो भी ठीक है अपने आप चूज कर लेगा नहीं नहीं हम सैंड पे चलते हैं सो गाइस हम जा रहे हैं एडवेंचरस रोड पे पागल है ये साला ये भी डरा हुआ बैठा हुआ है यार ऐसे कैसे मजा आएगा तुम नहीं ऐसे डरोगे थोड़ी यार इतना लद्दाख घूमे हो भाई यार तुम्हें अपने तरीके से लद्दाख घुमा रहा है भाई बबलू ऐसे बैठा भाई डेंजरस है ना रोड को किडनैप करके ले गया फिर साले तू बहाने ढूंढ रहा है ना उतरने का क्या हो गया थंबनेल लेना है बबलू तो आई थिंक से चिढ़ चुकी है अब तो उसकी एक पिटाई भी कर देगी वो इसकी मजा आएगा अभी ये कर ही जा रहा है हरकतें अब लेना यार फिर ऊपर जा रहा है चक्कर में फोन भी गिर गया सामान टूटेगा क्या सीन हो रहा है ब्यूटीफुल वो छोटे मस्ती करी मेरे भाई ने मस्ती खोर बबलू यार बहुत इजी था ऐसा लग रहा है आज बबलू तेरा मुंह तोड़ देगा हैं साले बबलू इसका मुंह तोड़ दे मैं तो बता रहा हूँ
तो गाइस वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था गाड़ी चलाने का, बट और यार बारिश कैसे हो रही है यार इतनी धूप में, सूसू कर रहा है कोई ब्रेक इट्स। एनीवेज मेरे को शॉट लेना था तो मैं आ गया हूँ गाड़ी चलाने, बढ़िया शॉट लूँगा, मैंने रील बनाई थी बड़ी मस्त, तो उसका हम कंटिन्यूएशन करेंगे। ये इतनी ऊपर किसने की है? हाथी और मेरे साथी, छोटा लेगा हमारी बढ़िया रील्स। एनीवे अनुनय को मैं अभी बोल रही थी कि ही शुड, मतलब जब हम लास्ट भी विंटर में आए थे तब मैंने एक व्लॉग बनाया था, गो वॉच इट, कि फाइव ऑफ ऑफ बीट प्लेसेस टू गो टेक पिक्चर्स इन एंड अराउंड ले, वो अच्छा बना था। एंड सो आई वाज टेलिंग हिम कि ही शुड मेक अ व्लॉग वेरी फोटोग्राफी सेंटर्ड, बिकॉज फर्स्टली ही इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर एंड आई थिंक ही शुड revisit his roots now, I think Bablu and तुम ज़्यादा ही vlogging में हो गए हो, which is good, okay, but that's यार ये vlogging and reels में मेरी photography, अरे नहीं वो ठीक है, हाँ मतलब exactly तेरे vlogging और reels में तुम अपना photographer, अंदर का photographer भूल चुके हो, and I really really want you to make just a photography centered vlog, कि मतलब तू पूछ लूँगा ना इनको चाहिए कि नहीं, अरे कि मतलब because मैं genuinely बता रही हूँ, जैसे जितने भी मैंने photographers Instagram पे देखे, जहाँ पे भी देखे, जैसा तेरा जैसा thought process होता है and तेरा जैसे I don't know यार you're just very डिफरेंट, की जैसे आग की बात है छठे, नहीं आग की बात की पूरी यार, एक ले लूँ अपने यहाँ से शॉट, ये वाली भी हम मैं बताने वाला था व्लॉग में कि हमने ना बहुत यहाँ पे घूमे तो हमें ना पता है कि यहाँ से ये शॉट आएगा, यहाँ से ये शॉट आएगा, एक जल्दी से बैठ के बस ले लेता हूँ, फटाफट से लेके आ जाऊंगा मैं छठे, दो मिनट में फटाफट से आ जाऊंगा लेके, बस अपने फोन से रील का बस एक शॉट ले लेगा। अच्छा चल एक मेरे को भी आइडिया है, तब छोटा ले लेगा मेरे भाई, ओके बाबा, ओके बाबा विल कंटिन्यू लेटर, गुड डे टू यू। और मेरा फोन कहाँ है? सो गाइस ये था व्यू जो मैं बता रहा था, यहाँ से बढ़िया पिक्स आती है, बट सनसेट पे और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल प्रीटी खूबसूरत जो कहने कह लो। तो गाइस मैं ना ये सोच रहा था कि मैं ये देखता हूँ कि मेरी अभी जितनी भी रील्स जाती हैं उसका मैंने कुछ भी कुछ 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 लिया होता है, तो यहाँ पे भी मेरे को जितने भी आइडियाज आते हैं ना मैं हर तरीके से हर लोकेशन पे ले लेता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे ट्रांजिशन बन जाती है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक व्यू, फिर व्यूज 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 चेंज हो रहे हैं, या बबलू मेरा हाथ पकड़ के कहीं जा रहा है तो वो चेंज हो रहा है लोकेशन के साथ, जितना भी लेना है ना ले लिया करो, बाद में जाके काम ही आ जाता है। मेंटेनेंस, छोटा भाई वापस चला रहे, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी चला रहे मेरे भाई, ठीक है आते जाते लोग मिस्टर सूद व्हाट्सएप अभी ठुकते ठुकते बचा हो। तो गाइस आज हमने कुछ खाया नहीं था तब से, मैं बोल रहा था मत खाओ, चल लेंगे और कंटेंट आ जाता बढ़िया बढ़िया बुबली से फ्रीज बना लेते, और इनको खाना था तो आ गए हम खाना खाने, किसी ने रिकमेंड किया था करण को, ओए नाम क्या था जगह का? अमीगोस कोरियन रेस्टोरेंट, अमीगोस कोरियन रेस्टोरेंट आई थिंक हम गए हैं, इसके नीचे तो नहीं है, ये तो नहीं बबलू मेजबान, सो गाइस जैसे हम एंटर किए ऐसी मस्त स्मेल आई टिक्को की, ये मुझे कह रहा है मैं इसकी चिकन टिक्का, जगह का नाम है ला पिज़्ज़ेरिया पिज़्ज़ेटा, तो मैंने कहा पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा होगा, जैसे ही घुसा ना चिकन टिक्का की स्मेल ऐसे ऐसे मुंह में, मैंने कहा चिकन टिक्का कहाँ से आ गया, फिर वहाँ लगा हुआ चिकन, मैंने उसकी भी फोटो ली है, चिकन टिक्का बनता है क्या भैया, कौन सा कौन सा? जितना काम तुमने आज कराया ना मेरे से मैंने काम कराया सबने, मतलब भाई मतलब खुद भी करा, मुझे आदत नहीं है ना इतना भागन दौड़ी करनी, ये तो रील्स के लिए भाई एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं तो हम तो रील्स के लिए भागते हैं, ये तो व्लॉग के लिए भाई गाड़ी कहाँ कहाँ से चढ़ा देता है, इसका बस चढ़ता है पहाड़गंज में ऐसे ऐसे गाड़ी लगा देता उसके ऊपर खड़ा होगा, मैंने कहा थंब नेल बीच में ये भी तो बोला था इसने, हम गाड़ी गाड़ी में बैठे हैं भाई साहब कुछ नहीं कर रहे ठीक है, सोच रहे कि व्लॉग का कंटेंट कहाँ से आएगा, तो बोलते यार ये वर्टिकल चढ़ा दो उस पे पहाड़, मेरे को वहां पे कहता वर्टिकल चढ़ा दो, मैं इसलिए नीचे उतर गई थी, मैं कहा भाई मैं कहाँ चढ़ा दिया। सो गाइस बढ़िया खाना आ चुका है हमारा, मोमोज अरे आ चुके हैं, करण का बटर चिकन बचा है बस, It's so good to see you We do this every day And I'm still so amazed by you So hold me tight Through the night So guys, हम पहुंच चुके हैं स्टोक पैलेस एंड स्टोक स्टैचू, बबलू क्या था इसको क्या बोलते थे सर मेरा
यार इतना गुस्सा क्यों होता है? और क्या बोल रही, तूने गलत रखा है उसमें, तो बोल दे सॉरी, ध्यान रख लूंगा अगली बार से। डिफेंसिव होके आगे वो क्यों कर रहा है? ओके, हार्ड डिस्क लगी हुई थी ना, मैंने बोला आराम से प्यार से रख रहे ताकि निकले। भाई वो दिख रहा था मेरे को कितने प्यार से रखा, वो निकाल गई ना। कुछ तो मान ले, आई टोल्ड यू कीप द लैपटॉप ताकि हार्ड डिस्क निकले ना, बिकॉज आई एम इन द मिडल ऑफ फकिंग एडिटिंग। यू केप्ट इट एज़, फॉरगेट इट, चल। सो गाइज, हमारा फोटो शूट और रील्स वील्स सब कुछ हो चुके हैं। करण भाई साहब ने भी बहुत सारी बिहाइंड द सीन लिए, एक दो मैं इसे चुरा लूंगा, मैं एक दीदी में लगा दूंगा। खतरों के खिलाड़ी वो लोग भी हमें कॉपी करने लग गए, देखा था ना, जो तेरा शॉट लिया ना सेम उस मोटी आंटी ने भी कॉपी किया। शट अप, इंस्पिरेशन। ओके हां, चलो से बाय टू सुपर बाबा, गुड डे टू यू सर। क्योंकि फिर ये इसमें प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। सैटेलाइट, सैटेलाइट दिखाते हैं हम। मैंने भी दो तीन बार हमें लगा एलियन स्पेसशिप जा रही है। नहीं नहीं, सी अब ये अब देखिए डिम हो रहा है ना, क्योंकि अभी वो देख कितनी स्पीड में जा रही है। अबे नहीं, इस साइड पे वो सन का रिफ्लेक्शन उसको दे वो ले नहीं पा रहा है, तो वो थोड़ा टाइम में जाके वो डिम होके बंद हो जाएगा। इट कैन बी एनी सैटेलाइट, साइंस, एनी सैटेलाइट, देयर आर एस्ट्रोनॉमी, देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो ये अरे बट आई थिंक ये चाइना बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी नेविगेट करने के लिए इधर रखी होगी। देख कितनी तेज जा रही है, वो ट्विंकल करते हैं। और क्यों, वो देखो वो देखो अब वो देखो जा रहा है। मैंने तो पहली बार ट्विंकल स्टार देखा है। वो देख चला गया, मैं ब्लिंक कर करके अब चला जाएगा। अबे हमारी फोटो खींची क्या, अब मैं बताती हूं ये ट्विंकल क्यों करता है। तो ये जो देख रहा है ना, दी स्टार्स आर रियली रियली फार अवे, रियली फार अवे, ठीक है। तो जब तक लाइट हमारे पास आती है, इट रिफ्रैक्ट्स इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई व्हाट यू सी हियर इट ट्विंकल्स। तो अगर ये प्लैनेट होता, सपोज अगर तुम मार्स देखेगा, वीनस देखेगा, या कोई और प्लैनेट देखा, वो कभी ट्विंकल नहीं करेगा। प्लैनेट दैट एंड प्लस वो इतने पास है, वो है नहीं, वो पास है, तो वो कभी ट्विंकल नहीं करते। ये तो चैंपियन निकला, देखा टू फ्रेंड्स देख, सेम स्पॉट यहां पे, यहां पे ना वृंदा की फोटो ली हुई हमने, तीन चार वाली ली हुई, हाथ वाली भी ली हुई है, हेलमेट वाली भी बैठे हुए हैं। अरे वाह, बात कर रहे हो। आज मैंने बोला भी था पर बैठा कैसे, अभी तो वहाँ इतनी भीड़ है, जब हम आते थे तो कोई बंदा नहीं होता था वहाँ पे, बस बैठ गया भाई बस। तो हम किसी ने गाली नहीं दी, वो देख रहे थे हम कि ट्रैफिक आ जब खत्म है, क्या किया तो खाली बैठ के दो फोटो इसकी भाई जल्दी ले रहा था, फिर खाली हमने भी लास्ट टाइम ऐसे किया था, हमने भी लास्ट टाइम किया था, बट अभी तो बहुत भीड़ है, कोई कर ही नहीं सकता है। रहता है मेरा भाई, उसने आके यहाँ पे डिनर भी खा लिया, मैं तो यहाँ पे सेटिंग की भी है, मैंने उसको बोल दिया भाई मेरा खाना रख ले, मैं एक दो ड्रिंक पीऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। ब्रेकेट्स बबलू बॉनफायर उधर है, चला जा, हम जा रहे हैं बॉनफायर देखने। अबे वो वहाँ बैठा हुआ है, एक्सप्लोड हो रहा मेरा वीडियो, कोई नहीं बैठा हुआ, दो मिनट चल ले, पागल है, बहुत ही बदतमीज है मेरा भाई, बॉनफायर में देखता। चल हम भी गए, देखो बढ़िया एकदम गजलें चल रही हैं। तो भैया बताएंगे अभी इनकी ये प्राइवेट पार्टी चल रही है, हमारा बॉनफायर थोड़ा साइड में होगा। नहीं मेरे पास, हम भी जाकर गा सकते हैं कि नहीं, गा सकते भैया, मैं बोलता हूँ भाग जाएंगे सारे। रात को कितना अच्छा लगता है, ब्रेक इट्स, ये देखो देखो, ये भैया हमारा बॉनफायर सेट कर रहे हैं, सम नाइस पापरी को बॉनफायर। ये तब से अंदर बैठे हुए थे और इनको रियलाइज नहीं हो रहा कि बॉनफायर एकदम मस्त ठंडी हवा में, बॉनफायर का मजा ही कुछ और है। ब्रेक इट्स देखना, अब ये सारे दोनों आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, फिर ऊपर नहीं जाएंगे। मैं शर्ट लगा के बोल रहा हूँ, देखो आ गया भाई साहब, आ गया। ओए
मैं ये तो कह रहा हूँ इसका मजा यहाँ पे बॉनफायर वॉनफायर का तुम अंदर बैठ के कुल्फियाँ दबा रहे हो रसगुल्ले दबा रहे मैं दोनों को एक्सपोज करती हूँ दोनों दो घंटे से पीछे टाइटल और थंबनेल के पीछे पड़े हुए हैं मेरी बात नहीं मैं एक बात बता रही हूँ उनको कुछ हेलो इट मैटर्स ओके टाइटल एंड थंबनेल मैटर्स दो घंटे से टाइटल एंड थंबनेल थोड़ा सा ये डालना अबे ये डाल दे पागल है क्या अबे डाल दुबई से लाता ही रहता है वैसे ही बहुत सामान आता है बोल रहे हैं कुछ आइस वाटर सोडा आई एम गोइंग टू एडिट आई हैव वर्क इंपॉर्टेंट श्योर श्योर यहाँ लिया इतना अच्छा लग रहा है सही तो अच्छा मौसम है हाँ गाइस बढ़िया सब लोग चले चुके हैं हमने पूरी एंजॉय किया बढ़िया एकदम छोटे कैसा लगा मेरे भाई को शट अप यार अपने व्लॉग यार ये सारे व्लॉगर्स के साथ आके ना ऐसी है आर यू सीरियस बदतमीजी हो जाती है आई हैव सो मच टू सी पापा फिर भागने लग गए मेरे भाई यार मुझे मत यार शिट मेरे भाई पकड़ यार प्लीज छोटे मुझे मत मार यार देख मैं तेरी पिटाई कर दूंगा चल मैं तेरी चड्डी बना दूंगा अपना व्लॉग अपलोड कर प्लीज मेरी सांस नहीं आ रही लैपटॉप बंद कर चलो ऊपर चलते फिर वाह बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे तू अपने यहाँ पे घर बना ले ऊपर टेंट लगा ले गाइस इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करेंगे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट सब्सक्राइब टू बबलू एंड वील कीप यू एंटरटेन्ड छोटे पिटेगा मेरा भाई बड़े बदतमीज है हम खाने जा रहे हैं सम नाइस डिनर बिकॉज डिनर ऊपर आ चुका है ये दोनों नीचे खा के आ चुके थे गुड डे टू यू सर